सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मेरा नाम नफीस सौदागर है। आज आप लोग संबंध में तहसील में आए हैं? मैं हम सर रेडीमेड के व्यापार के संबंध में, हम लोगों का ये छोटा छोटा सा व्यापार मऊरानीपुर में है। चूँकि SDM साहब उपजिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने पूर्व में एक ज्ञापन दिया था, उपजिलाधिकारी महोदय ने पेपर के समाचार के माध्यम से पेपर में अनुमति कैंसिल का हम लोगों को पता चल गया था कि ये अनुमति कैंसिल है। लेकिन सर आज हम लोग पुनः ऐसे मंगल दिवस में आए हुए हैं तो इस पे पता चला कि हम लोगों के नाम से किसी ने जालसाजी करके इन लोगों को साइन करके दस्तखत दे दिए, जो कि हम लोगों के ना कोई साइन है ना हम लोगों को से इससे कोई सरोकार है। अब सर इस तरीके की चीटिंग होकर और ज़बरदस्ती तरीके से मेला लगाया जा रहा है, हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर ये मेला अगर ज़बरदस्त तरीके से लगाया जाएगा हम लोगों के पेट पे लात, कोरोना काल से हम लोग सताए हुए हैं, बच्चों का हमारे लोगों के भूखो मरने की स्थिति है, लाखों रुपए रेंट पे हम लोग दुकान दिए, किराए प्रदर्शनी इस प्रदर्शनी की निरस्त करने की कृपा की जाए इस संबंध में, तो हम लोग साफ कर ले से धरना प्रदर्शन हम लोग संपूर्ण तरीके से, जैसे 10 महीने बंद रहा, हाँ बाजार बंद करेंगे हम 10 महीने से, हाँ 10 महीने से बंद रहा कोरोना काल में, तो अब हम लोग फिर इस तरीके से और हम लोग सताए जा रहे कि ये शासन प्रशासन ने सहयोग भी किया हम लोगों ने हर तरीके से, और फिर से पुनः ये लग रही मेला माफिया आते हैं, बाहर का कपड़ा उल्टा सीधा बेच जाते हैं, पुराने कपड़े वगैरह, तो सर इसको रद्द किया जाए तो नहीं होता है तो सर पहले से उन्होंने कैंसिल कर दी थी उपजिलाधिकारी महोदय ने, फिर इसके बाद भी दबांग नहीं होता है तो कल से हम लोगों का बंद बाजार बंद रहेगी बाजार। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।